नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी न्यू एप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग गूगल फोटो की जितनी भी फोटोज़ हैं वो एक क्लिक में सारी डाउनलोड करना चाहते हो तो कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, वहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग गूगल फोटो से सारी फोटो एक साथ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको गूगल फोटो ऐप ओपन करना है। यहाँ पर ऐप ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च के अंदर आता हूँ मैं और यहाँ से अपने फोटोज़ के अंदर आता हूँ। पहले तो मैं स्क्रीनशॉट के अंदर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे स्क्रीनशॉट मेरे को जैसे मान लो डाउनलोड कर रहे हैं अपने गैलरी के अंदर, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये सारे स्क्रीनशॉट हैं तो यहाँ पर मैं इनको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 6 सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मुझे इनको 6 के 6 अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर मेरे को कहीं पर भी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलता है जो कि इनको मैं डाउनलोड कर पाऊँ। ठीक है, तो अब आपको शेयर के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर मोर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप मोर के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको आना है, गूगल ड्राइव को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल ड्राइव यहाँ पर ऑप्शन आएगा सेव टू ड्राइव, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हो उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक ईमेल आईडी सिलेक्ट करना है और माई ड्राइव, और उसके बाद यहाँ पर आपको ये दिखाएगा स्क्रीनशॉट, उसके बाद सेव के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया तो अब आपको आना है ड्राइव एप्लीकेशन के अंदर। जैसे हम ड्राइव एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये सारी जो हमारी स्क्रीनशॉट है वो अभी यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं कुछ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे अपलोड भी हो चुके हैं मेरे। ठीक है, ये देख सकते हो ये कुछ मेरे जो भी अभी अपलोड हुए हैं। अब इनको अगर हमें डाउनलोड करना है गैलरी में तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इस तरीके से, आपको जितने भी आपको डाउनलोड करना है, मैंने 6 भी ऐड किया तो मेरे को 6 के 6 यहाँ पर मिल चुके हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे और हमारी गैलरी के अंदर ये डाउनलोड हो जाएंगे। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने डाउनलोड के ऊपर लगा दिया, ये कुछ देर के बाद ही मेरे डाउनलोड होकर के मेरी जो कि गैलरी के अंदर सेव हो जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो इस तरीके से आप जो कि डाउनलोड कर सकते हो और अपनी गैलरी के अंदर ये सारे सेव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही।